नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में जो सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे लंबा मुकदमा था, आज उसका निपटारा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आ गया है और अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का आज निपटारा हुआ है। कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये तय किया है कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से मस्जिद के लिए प्रदान कराने की कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि अगले 3 महीने में वो ट्रस्ट का निर्माण करें और ट्रस्ट जो है वो तय करेगी कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, आगे की वो प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इससे ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जो इस वक्त की सत्ताधारी पार्टी है, इसके तमाम घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र होता था कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अब जब कोर्ट से ये आदेश आ गया है तो ये साफ हो गया है कि ये काम तो हो जाएगा अगले चुनाव से पहले। तो बीजेपी के 2024 के घोषणा पत्र में ये पॉइंट नहीं हो सकता कि राम मंदिर का निर्माण हम कराएंगे, तो जाहिर है उससे पहले ही कभी होगा। उसको लेकर एक बहुत दिलचस्प जानकारी हमारे साथ है और वो जानकारी लेकर आए हैं तिवारी सर, हमेशा की तरह। क्या संभावित आप डेट्स की बात कर रहे थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अदा रही है कि वो हर इवेंट को एक मेगा इवेंट, ग्रैंड इवेंट में बनाते हैं, इन सब का एक डिटेल स्टडी करके विद्याशंकर तिवारी सर एक खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लाए हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप ही इसकी शुरुआत करें, क्या संभावित तारीख है? आदर्श, जब चुनाव अभियान की समाप्ति हो रही थी, तो जिस दिन चुनाव अभियान खत्म हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यालय में की जी। और उसमें उन्होंने जो वो दो चार महत्वपूर्ण बातें बोली थी, उसमें से एक बात ये बोली थी कि हम यूं ही कोई कार्यक्रम शुरू और खत्म नहीं करते हैं। चुनाव अभियान की शुरुआत क्रांति की धरती मेरठ से की थी और समापन जो है खारगोन मध्य प्रदेश से की थी, जहाँ से कि भीमा नायक का जो है आदिवासी नायकों का। तो ये बात क्लियर है। और एक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और खास बात मानी जाती है कि वो किसी भी चीज़ को इवेंट बनाना और अपने पैकेजिंग और मार्केटिंग करना जानते हैं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है कि राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अब इसको कैसे लोगों के बीच में ले जाना है ये सरकार को तय करना है। तो अगले साल जो सबसे महत्वपूर्ण अभी विधानसभा चुनाव है, झारखंड का डिक्लेयर हो चुका है और विधानसभा का होने वाला है दिल्ली विधानसभा जी। लेकिन इन दोनों से महत्वपूर्ण चुनाव जो है अगले साल नवंबर दिसंबर में बिहार का। बिल्कुल। तो माना ये जा रहा है, अब इसके मंदिर के इतिहास पे आते हैं। मंदिर का इतिहास तो 1528 से शुरू होता है, लेकिन बाद का जो घटनाक्रम तेजी से घटित हुआ है, 1980 के बाद 86, 89, 90 में ये घटित हुआ, फिर 92 में जी। तो 5-7 साल में सब कुछ हो गया था एक तरह से। तो 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है इनिशिएटिव लेकर के और जो शिला पूजन पूरे देश में चल रहा था, तो राम मंदिर के शिलान्यास का रास्ता प्रशस्त किया था, मार्ग प्रशस्त किया था। और 9 नवंबर 2019 को ही ये फैसला आया है। तो अब ये डिस्कशन चल रहा है कि हो सकता है कि अभी ट्रस्ट के फॉर्मेशन, उसके बाद तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगे और ये सरकार चाहेगी कि बिहार चुनाव से पहले इसका शिलान्यास हो। तो बिहार चुनाव 2020 में, तो इसका 9 नवंबर 2020 को जो है शिलान्यास तो पहले ही हो चुका है, एक तरह से बनाने का काम, निर्माण कार्य शुरू हो, ताकि चुनाव में भी फायदा मिल जाए। चुनाव में फायदा, बिल्कुल। अब इसके बाद ये आता है कि आखिरकार मंदिर को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएसपी जब से ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था 1989 में, तब से लेकर और आज तक शिलापट बनाने का काम लगातार चल रहा है, उस पर खुदाई का काम लगातार चल रहा है। अयोध्या पटा पड़ा है शिलालेखों से, तो जो शिला बनाई गई है मंदिर में यूज करने के लिए। तो ये हो सकता है कि यदि नवंबर 2020 से ये शुरू करते हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो ये फिर 2-3 तारीख है जहाँ जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण करके और इसका लोकार्पण हो सकता है। देखिए, अब ये भव्य मंदिर बन गया, तो इसमें यदि 20 से शुरू करते हैं और 23 तक ले जाते हैं, तो 3 साल बनाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल। तो वो तारीख कौन कौन सी हो सकती है? उसमें एक तारीख हो सकती है कि चूंकि भगवान राम का पूरा मसला है, तो रामनवमी का दिन चुना जा सकता है, तो वो 29 अप्रैल 2023 को में रामनवमी पड़ रही है, वो डेट पड़ रहा है 29 अप्रैल। चुनाव से ठीक 1 साल पहले का वक्त चुना जाएगा। हाँ, 1 साल पहले का वक्त।
इसके अलावा जो दूसरी तारीख हो सकती है, मान लें कि ये लगे कि बहुत ज़्यादा पहले हो जाएगा तो शायद उतनी पैकेजिंग मार्केटिंग ना हो पाए, तो फिर उसके लिए 23 अक्टूबर 2023 को जो है विजयदशमी पड़ रही है, दशहरा पड़ रहा जी, तो ये भी एक तारीख चुनी जा सकती है, ऐसा ऐसा माना जा रहा है। इस दिन भगवान राम लौटे थे अयोध्या, हाँ, विजय प्राप्त करके अयोध्या में प्रवेश किए। और जो एक और तारीख हो सकती है, यदि 9 नवंबर 2020 को ही इसका निर्माण कार्य शुरू होता है तो एक संभावना इस बात की भी है कि अप्रैल में मई 2024 में चुनाव है, तो ये भी हो सकता है कि 9 नवंबर 2023 को इसका लोकार्पण हो और राष्ट्र को समर्पित किया जाए कि देखिए भव्य राम का मंदिर है। तो ये कुछ संभावित तारीखें हैं जिसको कि जो ये सरकार है वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा मॉनिटरिंग एक तरह से सरकार के पास आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और ट्रस्ट का निर्माण तो होगा, ट्रस्ट तो प्राइवेट बनेगा, जैसे सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था अच्छी तरह से याद है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे वो चाहते थे कि इसको सरकार बनाए जी। और वहाँ गए भी थे और तैयारी भी हो गई थी, लेकिन जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता चली तो महात्मा गांधी से शिकायत की गई पटेल की, और ये हुआ कि धर्मनिरपेक्ष देश जो है इस देश में मंदिर कैसे बना सकता है। फिर महात्मा गांधी भी इस बात के फेवर में थे कि सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन जब दबाव पड़ा तो उन्होंने पटेल से कहा कि ऐसा करो कि इसके लिए ट्रस्ट बना लो और पैसे की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। फिर ट्रस्ट बना और पैसे की व्यवस्था हुई, लेकिन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रही, मॉनिटरिंग उसी की रही और भव्य मंदिर बना। फिर उसका लोकार्पण जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ट्रस्ट तो प्राइवेट ही होगा लेकिन गवर्नमेंट की पूरी निगरानी रहेगी। और गवर्नमेंट जो है ना अभी तो सबसे कोई ऐसी बात नहीं कर रही है, ना करनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए ये जिससे सद्भाव बिगड़े, लेकिन बाद में तो तय मानिए कि उसको ये अपना मुद्दा बनाएगी और एक विजय के रूप में जो है इसको प्रोजेक्ट करेंगे। हालांकि अगर आप अपनी सहज बुद्धि का भी इस्तेमाल करें तो सरकार तो इस पूरे मामले में पार्टी ही नहीं थी और ना कोई उसकी सरकार पक्षकार थी, तो ये फैसला विशुद्ध तौर पे एक लीगल मामला था जिसका एक इसकी यात्रा रही है सर कानून में, अलग अलग अदालतों में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में निपटारा किया लेकिन वो नहीं किसी को मान्य था, तो आज 9 साल बाद उसका निपटारा हुआ है। लेकिन इसमें सरकार तो किसी किस्म से पक्षकार है नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, सरकार लेगी और विपक्ष अभी से वार करना शुरू कर दिया है, जो वैसी को सुन रहा था और कांग्रेस ने भी जो कमेंट दिया है, कांग्रेस ने थोड़ा बैलेंस कमेंट दिया, निश्चित रूप से ये चुनावी मुद्दा तो बनना ही बनना है और इन सब बातों का जिक्र होगा। तत्काल इसलिए नहीं जिक्र किया जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव नहीं जी, और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हमारे देश के तमाम वो लोग नागरिक भी जिम्मेदार हैं जो ये 1947 नहीं है, 1984 नहीं है, 1992 नहीं है, 2019 है, और नागरिक चेतना में भी धीरे 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 इतना विकास हुआ है कि हमारे लोग जो आम जनता है वो इतनी समझदार है, वरना 2010 में तो मुझको याद है, 1992 का तो मैं नहीं कह सकता, पर 2010 में मैं यात्रा कर रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था, हर तरफ गंभीर माहौल हो गया था और मेरे घर से बार बार फ़ोन आता था कि इस ऐसे वक्त में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी, हर तरफ सुरक्षा के इंतज़ाम थे, कुछ नहीं हुआ उस तरीके से जैसा सोचा गया कि भड़क सकता है कुछ मामला, नहीं भड़का। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, इससे पहले भी नागरिकों पर जो इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरीके से लोग आपसी सद्भाव से, पहले भी तमाम पक्षकारों ने, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम ने, तमाम लोगों ने दोनों पक्षों से सद्भाव बनाए रखने की गुजारिश की, तो उस लिहाज से हमें यह भी लगता है कि इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि देश की जनता अब मैच्योर है और अब वो ऐसे मामलों से भड़कने नहीं वाली है। हाँ, लेकिन सरकारें और पार्टियां तो सत्ता के लिए वो तमाम तिकड़म भिड़ाएंगी, तो एक संभावित तारीख क्या हो सकती है, क्योंकि पहले बीजेपी पे तंज कसने वाले लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तारीख वो तो नहीं बता रहे हैं। हमारे विद्याशंकर तिवारी सर ने संभावित तारीखों का एक आकलन दिया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्टाइल रहा है उसको लेते हुए, हमें उम्मीद है कि आप इन तारीखों में, बताई गई तारीखों में आपके हिसाब से सबसे मुफीद तारीख कौन है, ये कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।